नमस्कार, बोल के लब आजाद हैं तेरे। मैं अभिसार शर्मा। एक सीधा सा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी सिवाय समाज में जहर फैलाने के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकती है? बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही अपने चाटुकार, अपने पालतू मीडिया को नौकरी पर लगा दिया है कि वो समाज के अंदर झूठी, भ्रामक और सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील खबरें फैलाए, जिसके चलते 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं उन्हें फायदा मिले? जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद हैं तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं तो दोस्तों, जी न्यूज चला रहा है आपके स्क्रीन पर सरासर गलत, झूठी खबर। कितनी खतरनाक खबर है। इस खबर पर कल देर रात मुरादाबाद पुलिस ने स्पष्टीकरण दे दिया था कि यह गलत खबर है, फिर भी आज सुबह उन्होंने यह खबर चलाई। आपके स्क्रीन पर देखिए, जी न्यूज, हिंदू घरों पर मजहबी कब्जा। सुबह 7:05 पर जी न्यूज पर हिंदू घरों पर मजहबी कब्जा। कल रात को दोस्तों मुरादाबाद पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी जी न्यूज ये चला रहा है। और सिर्फ जी न्यूज नहीं, कई और अखबार भी इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों कि आप एक जगह पर एक झूठी खबर चलाएं, सांप्रदायिक तौर पर हिंदू मुस्लिम को लेकर माहौल पैदा करें। आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, निहायत ही संवेदनशील जगह, उसका क्या असर पड़ेगा बाकी जगहों पर। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, मुरादाबाद पुलिस ने स्पष्ट तौर पर क्या कहा, फिर भी ये झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। देखिए, पढ़ के सुनाना चाहता हूं इनका जो ऑपरेटिव हिस्सा है। क्षेत्रीय पार्षद और कॉलोनी के लोगों ने जानकारी करने पर बताया कि शिव मंदिर कॉलोनी बी ब्लॉक के लोग चाहते हैं कि उनकी कॉलोनी का मकान कॉलोनी वासियों की सहमति के बिना कोई बाहरी व्यक्ति को ना बेचा जाए। इस संबंध में दिनांक 2/8/21 को कॉलोनी वासियों द्वारा गोष्ठी की गई और शीघ्र कॉलोनी के लिए वेलफेयर सोसाइटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया। पलायन की कोई स्थिति नहीं है, यानी कि साफ तौर पर कह दिया गया है पलायन की कोई स्थिति नहीं है। आगे क्या कहते हैं वो, कॉलोनी वासियों को अवगत कराया गया है कि मकान खरीदने बेचने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर आप अपना मकान नहीं बेचना चाहते हैं तो कोई दबाव नहीं बना सकता। पुलिस प्रशासन आपके सहयोग में है। देश के किसी क्षेत्र में रहने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कुप्रयास किया जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से कि अब तक आपने जी न्यूज के खिलाफ क्या कार्रवाई की। सूर्य प्रताप सिंह जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, जब वो लोगों के मुद्दे उठाते हैं तो आपने उन पर 1 नहीं 2 नहीं 7 FIRs कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर जो आदमी ऑक्सीजन मांग रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस, आपने उनके खिलाफ FIR की धमकी दी। सिद्दीक कप्पन, एक पत्रकार जो हाथरस गया था, हाथरस की गुड़िया जिसका बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई, आपने उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी। और यहां पर यह न्यूज चैनल साफ तौर पर जहर फैला रहा है कि चलिए, मैं मान सकता हूं कि खुद योगी सरकार ने जी न्यूज को करोड़ों रुपए इस साल दिए सरकारी विज्ञापन के नाम पर, मगर इसे आप क्यों बचा रहे हैं? यह भी तो भ्रामक खबरें फैला रहा है, समाज के अंदर झूठ फैला रहा है। बताइए, आपका जो फरमान है वो साफ तौर पर कह रहा है यह खबर झूठी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव इसी डर के आधार पर लड़ेगी? मैं आपको 2 और मिसालें देता हूं दोस्तों। राकेश टिकैत, किसान नेता, लखनऊ जाने वाले थे। उनको धमकाने के लिए दोस्तों ये क्या उत्तर प्रदेश भाजपा, उत्तर प्रदेश क्या कह रही है, इन्होंने कार्टून लगाया है, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। और इसमें कार्टून, एक कार्टून जो है, एक दबंग जो है बाहुबली, क्या कह रहा है राकेश टिकैत को, दोनों का कार्टून है। सुना लखनऊ जा रहे तम कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। योगी जी चमड़ी उधेड़ देते हैं। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल हैंडल इस तरह से धमकी दे रहा है किसान नेता को। और आप सोचेंगे चलिए राकेश टिकैत कोई राजनेता नहीं है, इन्होंने अखिलेश यादव को नहीं बख्शा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। खबर देखिए, इस खबर में दो चेहरे हैं, साक्षी महाराज जो कि उन्नाव के सांसद हैं और खुद अखिलेश यादव। साक्षी महाराज ने कसा तंज, योगी को ठोकना आता है तो बच के रहें अखिलेश, कहीं नंबर ना आ जाए। योगी को ठोकना आता है, बच के रहें अखिलेश, कहीं नंबर ना आ जाए। मैं फिर पूछ रहा हूं कि क्या आपके पास बस यही जरिया है चुनाव लड़ने का? खबर क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको। साक्षी महाराज ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश उन्नाव आए थे, यहां पर अखिलेश ने कहा था कि योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उन्हें तो ठोकना आता है। उन्होंने इस बयान पर पत्रकारों से कहा कि अखिलेश को समझा दो, अगर वो कहते हैं कि योगी जी को ठोकना आता है तो बच के रहें, कहीं नंबर ना आ जाए। यानी कि अगर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ठोकना पीटना जानते हैं तो ये आपकी उपलब्धि है क्या? ये आपकी खासियत है क्या? और लॉ एंड ऑर्डर सुधरा तो नहीं आपके इस ठोकने पीटने से? हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों में क्या हालात चले आ रहे हैं। अगर ठोकने पीटे से लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाता तो बात समझ आती, मगर ढेरों मिसालें हमारे सामने, रोज एक एक करके मिसाल सामने उभर कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह खबर देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जो नया ऑफिस बेरर है वो एक हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ 16 केसेस हैं। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और ये खबर क्या कह रही है मैं आपको बता दूं, उसका हिंदी में अनुवाद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कानपुर में जिस अरविंद राज त्रिपाठी को पार्टी के युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया है, पुलिस रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री शीटर है। शहर के काकादेव थाने में उनके खिलाफ कई केस हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए। मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों आपको हर बार डर, भय, क्राइम का सहारा लेना पड़ता है, समाज के अंदर बंटवारा का सहारा लेना पड़ता है। और मैं प्रदेश की जनता से जानना चाहता हूं, देश की जनता से जानना चाहता हूं, यह किस सूरत में राम राज्य है, यह किस सूरत में सुशासन है, मुझे बताइए ना आप। क्योंकि इन्होंने दोस्तों यही हथियार का सामना किया है। आपके स्क्रीन पर यह कपिल गुज्जर है दोस्तों, यह वही आदमी है जिसने शाहीन बाग में जाके गोली चलाई थी। आपको याद होगा, यह खबर देखिए आपके स्क्रीन पर, शाहीन बाग शूटर कपिल गुर्जर ज्वाइंस बीजेपी। तस्वीर देखिए साहब, गाजियाबाद का भाजपा जो है बाकायदा उन्हें पार्टी में शामिल कर रहा था। यह आदमी गोली चला रहा था शाहीन बाग के अंदर। अरे बताइए साहब, आप मुझे बताइए ना, आप जो सभ्य समाज के लोग अपने घरों में बैठे हैं, आप ये लोग जो आपराधिक इतिहास के हैं, हिस्ट्री शीटर है एक तो अरविंद राज त्रिपाठी, 16 मुकदमे, 16 केसेस हैं उसके खिलाफ, काकादेव थाने में उसकी पूरी रिकॉर्ड है वहां पर। कपिल गुज्जर गोलियां चला रहा है जहां पर औरतें बच्चे बैठे हुए हैं। बाद में बवाल मचा था तो बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ा था। अब एक और मामला देखिए, आपके स्क्रीन पर देखिए, भाजपा के नेता अनिल सिसोदिया सम्मानित कर रहे हैं शिखर अग्रवाल को। ये शिखर अग्रवाल कौन है? बुलंदशहर में तनाव हुआ था और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। शिखर अग्रवाल आरोपी है और सम्मानित कौन कर रहा है? बीजेपी फिर से सम्मानित कर रही है। सोचिए दोस्तों, यह पॉलिटिकल पार्टी राम राज्य की दुहाई देकर, सुशासन की दुहाई देकर सत्ता में आई थी, मगर सुशासन कोसों दूर है। इनके राज्य में आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, जो सामाजिक सरोकार के सवाल उठाते हैं उनके खिलाफ FIR कर देते हैं। ढेरों मिसाल आपके सामने, पत्रकारों पर FIR कर देते हैं, जो पत्रकार मिड डे मील स्कीम्स पर सवाल उठाते हैं आप उन्हें टारगेट करते हैं। मैं आपको बाकायदा प्रमाण बता रहा हूं हुजूर, इन सवालों से मत बचिए, यह मत कीजिए कल्पना की उड़ान नहीं। आपको खुद अपने गिरवान में झांक के देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की सरकार चाहिए। सरकारें आएंगी और सरकारों से अक्सर काम नहीं होता, मगर पत्रकार का, नागरिक का फर्ज होता है कि वो उन सरकारों से सवाल करे, डंके की चोट पर सवाल करे। मगर आदित्यनाथ सरकार में तो अब सवाल ही नहीं कर सकते हैं। अरे कम से कम जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हम उनसे सवाल कर सकते थे, हमें डर नहीं होता था कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगा। आज कोई भी सवाल करने से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से इसलिए डरता है क्योंकि आप पुलिस उनके पीछे लगा देंगे और फिर जो आपका पूरा वर्कफोर्स है वो सिर्फ लोगों को डराने के लिए है। तमाम मिसाल देखिए ना, कपिल गुर्जर जिसे ये लोग लाने वाले थे यू टर्न ले लिया, शिखर अग्रवाल फिर एक दंगे का आरोपी, अरविंद राज त्रिपाठी 16 केसेस, साक्षी अग्रवाल धमकी दे रहे हैं वो अखिलेश यादव को। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पर वो सरेआम किसान नेता राकेश टिकैत को कह रहा है कि हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के कट्टर भक्त हो सकते हैं, मगर किस कानून में लिखा है, किस सोच में लिखा है कि हम इसे सभ्य बता सकें? यह कौन से सभ्य समाज के सोच का हिस्सा है, बताइए मुझे। है, इन सवालों के जवाब नहीं है क्योंकि आप अंदर से शर्मिंदा हो चुके हैं, आप अंदर से खोखले हो चुके हैं, आप इन सवालों को उठाने से डरते हैं। आपके जहन में एक ही काल्पनिक डर बिठा दिया गया है कि अगर साहब इनकी सरकार चली गई तो मुगलों का राज हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से मध्य पूर्व में या मुस्लिम देशों में या यहां भारत में भी जो कट्टर मौलाना अक्सर गरीब मुसलमानों को भ्रमित करते हैं ये कह के कि साहब इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। आपने वही हालत हिंदू धर्म की करने आप जा रहे हैं। आप धीरे धीरे हिंदू धर्म को उसी तरफ ढकेल रहे हैं। यह फैसला करना पड़ेगा हिंदू समाज के जो सभ्य लोग हैं, समझदार लोग हैं, कि आपको हमारे इस धर्म को जिसमें सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है, जिसमें वसुदैव कुटुंबकम की बात की जाती है, क्या आपको मेरे धर्म को इसी संकीर्ण विचारधारा की तरफ ढकेलना है या क्या करना है? सोचिएगा आप इस बात पे, बुरा मत मानिएगा, सोचिएगा। मैंने जो इस कार्यक्रम में आपको एक एक शब्द बताया है उस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक न सिर्फ आपके साथ से है बल्कि आने वाले दिनों में हमारे परिवार के भविष्य से भी है। नमस्कार।